जय हिंद। मेरा नाम गोविंद कुमार, मैं आज क्लास 10th का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये आपका VBI रहेगा। और ये क्वेश्चन आपका देखिएगा, समीकरण इक्वेशन है, मतलब हल करना है इसको, यानी 2/x + 3/y = 13 and 5/x - 4y - 2 इसको हल करना है, मतलब किसी भी विधि से आपको हल करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि नीचे एक सोए दिया है, मतलब हम लोग जो पढ़े थे विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि ऊपर दे रहा था, ऐसा क्वेश्चन सबका ऊपर दे रहा था, एक्स वाई जो रहता था ऊपर रहता था, बट यहाँ पे एक्स वाई नीचे दिया है, ये कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, ये भी वैसे ही बनेगा, इजिली ही बनेगा, बट हल्का सा प्रोसेस चेंज रहेगा, ठीक है। कैसे, नीचे एक्स वाई दिया है ना, तो हम लोग मान के बनाएंगे, मतलब इसको ऊपर भेजेंगे, कैसे भी इसको करके ऊपर भेजना, मतलब इसको कैसे भी हमको एक्स वाई को ऊपर भेज देना है, तो वे सल्व होगा, तो एक्स वाई तो ऊपर जाएगा नहीं, इसलिए इसके जगह पर 1/ मान लेंगे हम लोग, माना मतलब ये बाटा में है यहाँ पे, तो 1/x = u and 1/y = v मान लेंगे, ठीक है, मतलब जहां 1/x तहां u डालेंगे, जहां 1/y जो है वहां v डालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 2, 1/y की जगह पे u, मतलब 2 ऊपर है ना, इसलिए 2 u लगा दिया हमने, प्लस 1/y की जगह पर भी 3 ऊपर है, इसलिए यहाँ पे 3 डाल देंगे, अगर 3 नीचे रहता तो नीचे डाल देते, 13 तो 13, आपका समीकरण 3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 5 है तो 5, ठीक है, y x 1/x जगह पे u माइनस 4 है तो 4, 1/y जगह पे v बराबर -2। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो समीकरण आपका 4 हो जाएगा ये, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 और 4 को कटाना है, मतलब भी को कटा देना है, कैसे भी तो कटा देना है, बट 3 भी या 4 भी तो कटेगा नहीं, एक यहाँ पे बराबर होना चाहिए तब ना कटेगा, तो 4 से ऊपर गुना कर देंगे और 3 से नीचे गुना कर देंगे, मतलब कि कौन सा संख्या है जो गुना करे तो दोनों बराबर आ जाएगा, नहीं समझ में आता है, तो 3 से नीचे गुना और 4 से ऊपर गुना कर देंगे, सब में करेंगे गुना, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण 3 में हम लोग 3 4 से गुना कर रहे हैं और 4 में हम लोग 3 से गुना कर रहे हैं, इसलिए गुना कर रहे हैं कि भी बराबर आ जाए, तो उसके लिए दोनों प्लस माइनस दिया है तो हम लोग जोड़ेंगे, अगर सेम अलग अलग चिन्ह रहेगा तो यहाँ पे जोड़ते हैं, और सेम चिन्ह रहेगा या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस रहता है तो यहाँ पे घटाते हैं, तो आप गुना कीजिए, पहले गुना कर रहे हैं ना एक में, पूरा में 4 से गुना कीजिए, 4 × 8 u + 4 × 12 v = 53 अब 3 से करेंगे तो 5 × 3 = 15 u - 4 × 12 v = 3 × 6। आप लोग ये कट गया, दोनों हम लोग जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जब प्लस जोड़ करते हैं ना समीकरण में यहाँ पे तो चिन्ह नहीं बदलता है, प्लस माइनस कट गया अपने से, अब ये दोनों प्लस में तो प्लस में जोड़ देंगे, प्लस माइनस से तो हम लोग यहाँ पे गिरा देंगे, तो ये जोड़िए आप 8 और 15, कितना हुआ आपका 8 15, फिर ये 8 × 13 23 हो गया, 23 u = ये घटेगा आपका 52 में से 6, ठीक है, 14 × 12 = 6 और 4 = 46 हो गया, ये सीधा घटा है प्लस में से घटा तो प्लस में रहेगा, u का मान निकालेंगे तो आपका 46 गुना में 23 तो बटा में 23 कट के आपका 2 बार कट जाएगा, तो u का मान 2 हो गया, ठीक है, इसलिए u का मान 2। अब इस u का मान समीकरण इसमें रखेंगे, इसको हल कर रहे हैं ना हम, ये समीकरण को हल कर रहे हैं, नीचे वाला को हल कर रहे हैं, तो हम लोग u का मान 3 रख देंगे ये वाला समीकरण में, तो u का मान समीकरण 3 में रखने पर तीन क्या है यहाँ पे देखिएगा, बताइए 2u + 3v = 13। अब आपका u का मान 2 है तो 2 उतार देंगे, अब बाकी सबको सेम उतार देंगे, u की जगह पे 2 रख देंगे, बाकी सबको सेम उतार देंगे, तो 3 × 2 = 4 + 3v = 13। अब u का मान निकालना है तो प्लस में 4 तो माइनस भेज देंगे, प्लस में 4 तो माइनस भेज देंगे, या ध्यान दीजिएगा यार लगा सकते हैं यहाँ पे, अब 3 भी है तो भी घटेगा तो कितना आएगा आपका 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा, तो भी का मान निकालना है तो 9 एंड गुना में 3 तो बटा में 3 कट गया, कितना आ गया आपका 3 आ गया,
तो x u का मान 3 आ गया आपका एंड u का मान 2 आ गया आपका, v का मान 3 आ गया। अब इस u तो आपका u का मान आपका कितना आ गया 2 और एंड v का मान आपका आ गया 3। ठीक है, अब इस u और v का मान यहाँ पे जो माने हैं उसमें रख देंगे क्योंकि हमको x और y का मान चाहिए ना कि u और v का मान। तो जब हमें 1/x बराबर u माने थे ना एंड 1/y इक्वल टू v माने थे, यहाँ पे u रख दिए थे और यहाँ पे v रख दिए थे, न्यू समीकरण बना था मेरा और उसमें हम लोग यू भी का मान निकाल के यहाँ पे लिया है, विलोपन विधि से ही निकाले हैं, 4 से गुना करके और 3 से गुना किए थे यहाँ पे और 12 भी भारे भी कटा दिए थे, तो यू का मान आपका 2 आ गया। यू का मान समीकरण इसमें रख रहे हैं, यू भी का मान निकाल रहे हैं, 3 में रखे थे आपका भी का मान निकल गया। अब इस यू और भी का मान ये जो माने हैं ना इसमें रख देंगे, ध्यान दीजिएगा इसको मिटाते हैं हम, ध्यान दीजिए लिखेंगे अतः 1/x बराबर u माने थे ना, तो u का मान कितना आया है, u का मान कितना आया है 2 आया है ना, तो 1/x बराबर u का मान आपका 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 रखे दिखल से गुना कर देंगे, 2 में x है तो 2x और 1 में x है तो x हम 1 में x है तो 1 हम 1 एंड 1 बटा गुना में 2 तो बटा में 2। ठीक है आपका निकल गया यहाँ पे, फिर हम लोग 1/y इक्वल टू का माने भी माने हैं ना, तो 1/y बराबर ये 3 है तो 3 या बटा में 1 डाल देंगे। या ध्यान दीजिएगा हमने क्या बताया यहाँ पे 1/x बराबर 2 बताया है ना, 1 तीसरा चुगना किए हैं, 2 में x होता 2x आ 1 में से 1 आ 1 से तो 1 बराबर गुना में तो बटा में जाएंगे, तो इसको भी हम लोग तीसरा चुगना कर देंगे, 3 में y से तो y एंड 1 में से 1, बट हम चाहेंगे इसको पलट भी सकते हैं, ये पलटेगा ना तो ये भी पलट जाएगा, मतलब नीचे y है ना ऊपर y चल जाएगा, वैसे ही नीचे 1 है ना तो ऊपर 1 चल जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा एक बार में निकल जाएगा, मतलब नीचे y तो ऊपर y चल जाता है और नीचे 1 आ जाता है, वैसे ही इसको भी पलटेंगे, 1 ऊपर चल जाएगा मतलब ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, ऐसा नहीं कि ये को पलट देंगे ये को छोड़ देंगे, दोनों पलटना पड़ेगा, ऊपर 1 तो नीचे आपका 3 आ जाएगा, 1 के काट देते हैं आपका वाई का मान आपका निकल गया, 1/2 एंड y का मतलब 1/3 आंसर।